दवा खाते हैं मैं, कहाँ दवा कहाँ कर दी दीजिए, इसको इसमें डाल देते हैं, उसके बाद पहले दवा खा लेते हैं मैं ना, चलिए उसके बाद खाते हैं। पहले दवा दिखाइए, दवा दिखाइए, दवा दिखाइए, दिखा मैं दिखा दिखा, एक मिनट हम इसमें डाल दे रहे हैं, आप इसी में से खा जाइए ना, दीजिए 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 दीजिए, हाँ हाँ दीजिए, मतलब इसमें हम डाल दे रहे हैं ना, है ना, उसके बाद आप खाइए, लाइए दीजिए दीजिए, बात सुनते हैं, बात सुनते हैं, है ना, दवा खाने का टाइम हो गया है ना। तो माँ खा रही है निमकी, मैं ज़्यादा नहीं खिलाती, पर क्योंकि दिख गया है तो वो रह जाएगा ना नहीं दी करके, तो इसलिए मैंने दे दिया है, थोड़ा ही दिया है, ज़्यादा नहीं, पहले भी थोड़ा खाई तो अभी फिर दिख गया तो फिर उठा ली है, तो क्योंकि अभी दवा खाना है तो, लेकिन वो खाने के लिए नहीं, नहीं खाने के लिए परेशान हो रही कि नहीं खाना है, तो पहले तो दवा खिला लेते हैं। कहाँ दवा, कहाँ, और दवा भी गुम कर दी है मैंने, हाथ में दिया था पकड़ने के लिए, कहाँ है माँ दवा, ऐसे कीजिए ऐसे कीजिए, ओ वाला हाँ गुम कर दी, फेंक दिए हैं, है ना, हाँ हाँ अच्छा ठीक है, चलिए अच्छा ठीक है, खा लेने देते हैं पहले, नहीं तो वो ना बिल्कुल भी नहीं खाएगी, तो अभी तो ऐसा वाला टाइम है, मनमानियों का दौर चल रहा है फिलहाल तो, क्योंकि ये समय ही ऐसा होता है, क्या कर सकते हैं ना, तो थोड़ा मनमानी तो करने देते हैं। दवा खाएंगे ना माँ, हाँ देखिए दवा खाएंगे बोलने से, हाँ लेकिन फिर वही इतना सारा होता है ना, मुझे लगता है 8 टाइम 8 टाइम्स लेना पड़ता है उसको, बाबा का भी सेम और माँ का भी, सुबह उठते साथ खाली पेट में, फिर नाश्ता के बाद, फिर उसके बाद तो कंटिन्यू है, 2 3 4 लगभग, नाश्ता के बाद 4 है, और फिर शाम में फिर 4-5 बजे एक, फिर हाँ शाम में, फिर उसके बाद फिर 3 4 कंटिन्यू, उसके बाद फिर रात में, तो सुबह 5 शाम 5 10 टाइम, सोचिए मतलब कुछ 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 देर में, तो अभी तो खैर अनुपान वाला नहीं है तो ज़्यादा परेशानी नहीं होता, पहले तो अनुपान वाला था, अनुपान यानी कि कुछ कुछ जड़ी बूटियों को मिला करके पीस करके सब के साथ मिला करके दवा के साथ मतलब देते थे, तो ज़्यादा परेशानी क्या, फिर भी मैं करती थी, उतना तो होता है क्योंकि माँ एलोपैथिक नहीं लेती है, मतलब बहुत दिन पहले छोड़ चुकी है, क्योंकि साइड इफ़ेक्ट बहुत सारे, इसी वजह से बहुत सारे कुछ कुछ इश्यूज हुए थे साइड इफ़ेक्ट के कारण, बहुत मतलब माँ बिल्कुल, क्योंकि बीपी वगैरह तो कंटिन्यूसली बहुत लॉन्ग टाइम तक चलता है ना, मतलब आप ज़िंदगी भर, आपको ज़िंदगी भर के लिए खाना पड़ेगा बीपी का अगर है तो माँ का तो बहुत बहुत हाई वाला बीपी है, तो पर अब क्योंकि बहुत साल बीपी का वो एलोपैथिक ही ले रही थी, तो अब क्योंकि उसके बाद बहुत डेंजर वाला साइड इफ़ेक्ट होने के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि एलोपैथिक नहीं खिलाएंगे माँ को, तो फिलहाल वो आयुर्वेदिक ही खा रही हैं, और उनके टेबलेट्स भी तो वो मतलब ना इतने बड़े बड़े होते हैं, वो टेबलेट वगैरह खाने में बहुत प्रॉब्लम करता है, माँ नहीं खाने खोजती अभी भी ये होता है, लेकिन कभी कभी तो ज़बरदस्ती करना पड़ता है दवा के लिए, लेकिन लेकिन अभी थोड़ा सा तो आराम से खा लेती है।
चलिए कोशिश करते हैं फिर से। चलो माँ खा दवा खा लो। हाँ हाँ अभी हम लोग खाएंगे दवा। हाँ खाएंगे। जीजी कहाँ के साथ में जीजी है ना। देखिए ये एक ये वाली है, एक ये कैप्सूल है, मैंने बीच से कैप्सूल नहीं है टैबलेट ही है लंबा वाला, तो निकल नहीं पाती तो इसलिए मैंने ना दो टुकड़े कर लिए हैं। देखिए तो छोटे छोटे टुकड़ों में वो अच्छे से खा पाएंगे। चलो हाँ आकर आ गया ना। तो जी माँ खा चुकी दवा, खा लिए ना माँ। हाँ माँ खा चुकी दवा और तीन कफ सिरप लेना है, तो मैं वो अभी खिलाऊंगी कुछ देर बाद, 10-15 मिनट बाद। उसके बाद बाबा भी दवा तो खा लिए, कफ सिरप वगैरह तीन उनका भी बचा हुआ है, मैं वो खिला दूँगा अभी बारी बारी से दोनों को। माँ का थोड़ा, बाबा का तो हो गया टाइम, माँ का थोड़ा सा और टाइम लगेगा। तो ठीक है फिर क्या, वीडियो बहुत लॉन्ग जा रहा है तो हम लोग यहीं पे ब्लॉग का एंड करते हैं। और ऐसे हमें सपोर्ट करें, बहुत सारा ढेर सारा प्यार दें, सपोर्ट दें, और क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना तो मेरा कुछ भी होने वाला नहीं। तो क्योंकि मैं क्या बोलने वाली थी, थोड़ी वो मुझे याद नहीं आ रहा मैं क्या बोलने वाली थी। तो ठीक है कल वाले ब्लॉग में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहें, खुश रहें और क्या, और खुश रहें।